साथियों, इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी, लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। भूखमारी से बेहाल देश, सूखे सूखे खेत, कहीं पानी का कलेश, कहीं बालिका का रेप, कहीं बालिका की भेंट, शादी के नाम पे मांगे बहुत सा दहेज, कुछ का अलग केस, कहते हिंदुओं की लाशों का लगा देंगे हम ढेर, कुछ को चढ़ा है कट्टर हिंदू बनने का करेज, नए नए पुल बने नए नए रास्ते पर, मंजिल का पता नहीं कहां जा रहा ये देश। आ रही तरेड़ इकोनॉमी में क्यों और देशों के मुकाबले हम होते जा रहे ढेर, होती जा रही देर, खत्म होती जा रही दुनिया, प्रकृति से हो रहा खिलवाड़, काटे जा रहे पेड़, बाटी जा रही काम, बांटे जा रहे भेस, काटे जा रहे लोग, काटी जा रही जेब, बढ़ता ये फरेब, चाहते तो कहां से कहां हम पहुंच जाते, पर खत्म ही ना हो रहा हिंदू मुस्लिम का यहां खेल। कुछ दिन का परेज फिर सब भूल जाते, मरे हिस्सों के लिए वही गुनगान गाते, कि नेता ऐसा या वैसा हो, पर सोचा कभी क्यों ये नेता जीवन की हमारी कमान संभाले, समाज न जाने क्यों ना सोचता आजादी, एक धोखा क्यों अभी भी हमें इनके हवाले, ये मारते तो हैं पर कभी रोने ना देते, कश्मीर की हालत को क्यों ये लोगों से छुपाते, वादे करे ये अनेक पर पुराना उन्हें करते, लालच की परत चढ़ी है आंखों पे लोगों की, सबके अब से ना होता आ रहा ये होता आ रहा सदियों से, और सदियों से हम धरती पे क्यों इतनी गंद मचा रहे, संत बना रहे पागल झोले अपने भर के, मूरत की सूरत के दर्शन के भी पैसे देने पड़ते, पर गीता और कुरान कभी आपस में ना लड़ते, हाँ लड़ते वो जो इन दोनों को कभी भी ना पढ़ते। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन ताकत वाला, 15 मिनट हटा लो। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ वोट दे देना भीख नहीं मांग रहा हूँ, अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। भारत में सब अच्छा है। BJP leaders are attracted to communal violence like sharks are attracted to blood. और राजा जी आपसे हिंदी में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आप इतना चुभ रहे हैं जो बंगाल में हो रहा है, तो गृह मंत्रालय में बैठे राजनाथ सिंह जी आपकी पार्टी के मंत्री हैं, आप उनके पास चिट्ठी क्यों नहीं डालते कि कानून की कार्रवाई की जाए? क्या इस देश को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी का बचाव करना है बंदूक उठाओ गोली चलाओ, तो कोर्ट कानून निर्णय पुलिस गृह मंत्रालय, तो आपके बयान से तो ये साबित होता है आपकी खुद की सरकार एक बेबस सरकार है। उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है।